ओम शांति। अच्छा खाना और अच्छी नींद, ये जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें तभी मुमकिन है जब हमें टेंशनें अनलिमिटेड ना हों। देखिए, थोड़ी सी टेंशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन नहीं होगी तो हम किसी काम को करने के लिए बहुत ही लापरवाह से होकर बैठे रहेंगे। किसी चीज़ की थोड़ी सी टेंशन लेंगे तो उस काम को हम ज़रा जल्दी और फास्ट कर पाएंगे एकदम, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अनलिमिटेड परेशानियां हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो परेशानियां दूर हों, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये परेशानियां रात को हमें सोने नहीं देती। नेगेटिविटी तंग करना शुरू कर देती है, इतनी परेशानी कि रात जो है वो करवटें बदलते हुए निकल जाती है। यहाँ छोटे छोटे से उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मैं आपको अपनी और भी वीडियोस के थ्रू जो आपकी परेशानियों का हल है वो बता सकूं। एक काम करिए, लहसुन की कली एक ले लीजिए। इसे आप अगर रात को अपने तकिए के नीचे, अपने पिल्लों के नीचे रख के सो जाते हैं, तो जो सोते समय आपको नेगेटिविटी तंग कर रही है, न जाने कहाँ कहाँ से, कौन कौन से विचार जो आपने दिन में कभी सोचे भी नहीं, रात को आकर आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उन विचारों से भी आपको एकदम नेगेटिविटी सी आनी बंद हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स बंद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप ये नहीं करते, तो आप तुलसी के 5 पत्ते लें और उन 5 पत्तों को आप अपने पिल्लों के नीचे रात को रख के सो जाएं। देखिए कैसी आरामदायक नींद आती है, नेगेटिव थॉट्स दूर होंगे। और तुलसी की में तो बहुत ही ज़बरदस्त पावर है, इसे माता का नाम भी दिया गया है, भगवान विष्णु की प्रिय है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी की गांठ, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, आज के टाइम पे बहुत से यंग बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नौकरी की बहुत ज़बरदस्त टेंशन रहती है, किसी की नौकरी नहीं लग रही और किसी की नौकरी लगी हुई है तो उस नौकरी में ही बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं और उस वजह से उसकी रातों की नींद हराम हुई हुई है। ऐसे में आप हल्दी की एक गांठ लेकर उस गांठ को अपने पिल्लों के नीचे रख लें। आपकी जो दिन भर आपको नौकरी की वजह से परेशानी हुई है, वो सोते समय तो आपको तंग नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपको आर्थिक परेशानियां हैं, पैसे की बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है, इतनी परेशानी है कि दिन तो चलो कटा कटा, रात के समय आप अगले दिन की चिंता में खोए हुए हैं कि अगले दिन पैसा कहाँ से आएगा, कैसे परेशानियाँ दूर होंगी, आप 1 रुपये का सिक्का लेकर अपने पिल्लों के नीचे रख लें और सुबह उस 1 रुपये के सिक्के को आप मंदिर में या किसी को बाहर भिखारी को दान कर दें, मंदिर में दे आए तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी के सामने आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से परेशान हैं और रात के समय उनकी नींद उड़ी होती है, रात भर वो दर्द से कहारते हुए निकाल देते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है और उस वजह से नींद नहीं आ रही। ऐसे में क्या करें, एक गिलास में पानी लें और अपने सिरहाने साइड उस पानी को रख दें। इस पानी को आप रात को अपने सिरहाने साइड रख के जब सो जाएंगे तो सुबह उठकर उस पानी को आप किसी पौधे के जड़ में डाल दें, घर के बाहर के पौधे में डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा, कितनी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको तंग कर रही है वो आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपको उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही परेशान रहते हैं, हर चीज़ के लिए परेशान है, घर में क्लह क्लेश हो रखा है, छोटी छोटी बात पे घर में घर वालों में आपस में खींचातानी होती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये घर में पितृ दोष की वजह से भी होता है। ऐसे में भी आप शनिवार के दिन रात के शनिवार की रात के समय घर में घर के जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर एक गिलास में या एक क्या कहेंगे, हाँ गिलास में ही एक पानी आप रख के, एक गिलास भर के उसमें रख के छोड़ दें शनिवार रात को, और सुबह उठते ही उस पानी को आप में, जो घर का पहला सदस्य जागे उस पानी को आप घर के बाहर की तरफ दरवाजे की साइड से बाहर बिखेर दें। इससे क्या होगा, ये पितृदोष शांत करेगा। हो सके तो इस पानी को आप पीपल के पेड़ पे चढ़ा देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसे आप घर के बाहर की तरफ मुख करते हुए इसे पानी को बाहर बिखेर दें।
दरवाजे की साइड से, ठीक है। इससे क्या होगा, घर में शांति आएगी, घर की परेशानियाँ कम होंगी और आपको इसमें आराम मिलेगा, ठीक मिल रहेगा। ये छोटी छोटी सी ऐसी टोटके हैं जो मैंने आपको बताए हैं और सारे आजमाए हुए से हैं, लोगों ने इन्हें किया है और करने के बाद उन्हें फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।